आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं कि विकलांग प्रमाण पत्र जो ऑफलाइन बना हुआ था उसको आप डिजिटल ऑनलाइन किस तरह सत्यापन कर सकते हैं और डिजिटल सर्टिफिकेट आप जारी करवा सकते हैं ऑफलाइन से ऑनलाइन सर्टिफिकेट और UDID कार्ड आप बना सकते हैं। इस रिलेटेड मैंने आपको पिछले एक साल पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि अपने ऑफलाइन सर्टिफिकेट को डिजिटल सर्टिफिकेट किस तरह बना सकते हैं, UDI कार्ड किस तरह बना सकते हैं। मैंने 22 जुलाई 2019 को ही इसके बारे में आपको एक वीडियो दिया है जो कि एक साल से बेसी हो चुका है, ठीक है। और अब गवर्नमेंट ने इसका निर्णय लिया है कि अब गवर्नमेंट आपको ये सर्टिफिकेट बना के देगी। पहले क्या होता था, ये सर्टिफिकेट आप खुद ऑनलाइन करते थे या कहीं से कैफे से करवाते थे तो फिर वहाँ से जाकर आपका बनता था, जिसके लिए मैंने आपको पहले इस वीडियो में बता दिया था किस तरह आप डिजिटल सर्टिफिकेट और UDID कार्ड बना सकते हैं। मैं एक ही वीडियो में आपको डिजिटल सर्टिफिकेट और UDID कार्ड के बारे में बताया था। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा देख लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर आपको UDID कार्ड और सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट जनरेट हो जाता है किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे, इस वीडियो में मैंने आपको बताया था। ये वीडियो भी देख लीजिएगा, ये वीडियो का भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। उसके बाद अगर आपका UDID कार्ड एक्सपायर हो गया है तो उसको किस तरह रिन्यूअल कर पाएंगे उसके बारे में आपको इस वीडियो में बताया। तो हैंडीकैप सर्टिफिकेट और UDI कार्ड रिलेटेड मैंने तीन वीडियोस आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ जो आप देख लीजिएगा, लिंक आपको तीनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो आज के वीडियोस के टॉपिक को और बढ़ते हैं। जैसा कि देख पा रहे हैं दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक सूचना, दिव्यांगजनों हेतु आवश्यक सूचना, सभी दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट पहचान UDID कार्ड, ठीक है। अब जो ये UDID कार्ड पहले आप बनाते तो वो ऑनलाइन किसी भी साइबर कैप से आप बनवाते थे, लेकिन अब गवर्नमेंट इसकी सिविल लगाएगी हर ब्लॉक में और सिविल लगा के सभी का सत्यापन ऑनलाइन किया जाएगा। तो यहाँ पे दिया गया जिला दिव्यांगजन शक्तिकरण कोषांग द्वारा 28 जनवरी 2021 से 28 फरवरी तक, यानी कि एक महीने के अंदर पूरे बिहार में जितने विकलांग हैं जिसकी सर्टिफिकेट ऑफलाइन बनी हुई है और जिसको UDID कार्ड नहीं उसको UDID कार्ड, जो जिसकी ऑफलाइन सर्टिफिकेट बनी उसको सत्यापन करो ऑनलाइन सर्टिफिकेट डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि कार्ड निःशुल्क रहेगा, ठीक है। तो पहले आप ऑनलाइन बनाते थे आपको उसमें कुछ रुपए चार्ज लगता था, जैसे कि साइबर कैब वाले ऑनलाइन करते हैं तो कुछ रुपये आपको चार्ज पे करते हैं। तो यहाँ पर क्या होने वाला, आपको ये कैप लगेगा, मतलब सिविल लगेगा, हर ब्लॉक में सिविल लगेगा 28 से 28 फरवरी के बीच। कब लगेगा आपके ब्लॉक में कब लगेगा उसके बारे में आगे से हम विस्तार से बात करेंगे। तो आप इस सिविल के द्वारा फ्री में अपना बनवा सकते हैं, डिजिटल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, UDID कार्ड बनवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये भी दिया गया UDID कार्ड का लाभ, UDID कार्ड कार्डधारी विकलांगजनों की राष्ट्रव्यापी विशिष्ट पहचान है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके जो लाभ वो दिए गए, UDID कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज आप देख लीजिएगा, पहचान पत्र या आधार कार्ड होना चाहिए, आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यानी कि विकलांग प्रमाण पत्र जो ऑफलाइन बना था वो होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए। ये चार डॉक्यूमेंट आपको अनिवार्य होना चाहिए जो कि आपने ऑफलाइन सर्टिफिकेट को डिजिटल सर्टिफिकेट करने में और UDID कार्ड जनरेट करने में। साथ साथ यहाँ पर दिया गया अधिक जानकारी के लिए संबंधित जिले के सहायक निर्देशक जिला दिव्यांगजन शक्तिकरण कोषांग से संपर्क कर सकते हैं या सिविल सार्वजन कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पर बनाने का प्रक्रिया भी दिया गया है, सिविल सार्वजन कार्यालय द्वारा बुनियादी केंद्र, ठीक है, जिसमें ये वेबसाइट जिसके बारे में आपको बताया, इस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। पंचायत में उपलब्ध कराएगा वसुधा केंद्र, जैसे कि आपको पता है कि हर पंचायत में पंचायत भवन है तो उसमें एक वसुधा केंद्र, अगर वहाँ से आप वो करते हैं तो आपको 10 रुपये ही शुल्क यानी कि 10 रुपये ही चार्ज देना होगा। तो यहाँ पर जो आप बनाएंगे तो आपको एक और फ़ायदा मिलने वाला है, आपका जो UDID कार्ड होगा वो डाक द्वारा आवेदक के पते पर भेजा जाएगा, आपका जो UDID कार्ड होगा वो डाक द्वारा आपके पते पर भी भेजा जाएगा। ये आपको एक बहुत ही सुविधादायक हो सकता है। ये 1 अप्रैल 2021 से उपरांत केवल ऑनलाइन सत्यापन दिव्यांग पत्र ही मानोगे, यानी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद आपका जो सर्टिफिकेट होगा वो ऑनलाइन जो बना होगा वही मान होगा, ऑफलाइन हाथ से बना हुआ जो सर्टिफिकेट होगा उसकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे 1 अप्रैल 2021 से पहले अपने सर्टिफिकेट को आप ऑफलाइन को ऑनलाइन में कन्वर्ट करके यानी कि सत्यापन कर सकते हैं, आप खुद से भी कर सकते हैं। खुद से करने के लिए मैंने आपको तीन वीडियो इस टॉपिक पर दे रखा है, आप देख लीजिएगा, नहीं तो आपके जो ब्लॉक हो गए और आपके पंचायत होंगे वहाँ पर से भी आप अपने पंचायत के पंचायत भवन से करवा सकते हैं या ब्लॉक में सिविल लगेगा सिविल के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। आप ये समझ गए, अब बात कर लेते हैं कि ये सिविल कब लगेगा आपके प्रखंड में, ठीक है।
तो इसके लिए आपको CSC जानते होंगे, वसुधा केंद्र, उसके जिला जो प्रबंधक होते हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे। हमारे पास एक नोटिफिकेशन है जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कि जारी किया गया है, तो इसमें बताया गया है कि देखिए कौन से सीरियली नंबर कौन सा ब्लॉक है, कब से कब तक इस ब्लॉक में सर्टिफिकेट सत्यापन होगा, 1 तारीख 1 फरवरी और 2 फरवरी को, कौन सा PSC में यानी कि ये जो होगा हॉस्पिटल में होगा, कौन सा डॉक्टर करेंगे, डॉक्टर के नाम, कॉन्टेक्ट नंबर और जो उनके स्टाफ होंगे उस स्टाफ के नाम और किस विभाग के वो डॉक्टर वो और उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ये आपको मिल जाएगा आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जो भी आपके CSC के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा। अगर आप CSC BA लिए तो आपको ये नोटिफिकेशन और ये PDF आपको ज़रूर मिला होगा आपके CSC ग्रुप के माध्यम से। तो यहाँ पे नोटिस दिया गया है, सभी प्रखंड मुख्यालय में दिव्यांगता पंजीकरण UDID कार्ड के आवेदन किए जाने हेतु सिविल आयोजन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो जिसका सर्टिफिकेट ऑफलाइन बना उसका ऑनलाइन बनेगा और UDID कार्ड बनेगा, इसके लिए हर ब्लॉक में यानी कि हर हॉस्पिटल में, ब्लॉक और हॉस्पिटल और पंचायत में सिविल लगेगा, ठीक है। पंचायत में आप अपने पंचायत भवन से जाकर करवा सकते हैं। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को इस कार्य हेतु नोडल पदाधिकारी नियमित किए जाएंगे, यानी कि इस कार्य के लिए सभी पदाधिकारी को लगा दिया गया है ताकि सभी पदाधिकारी मिलकर इस कार्य को सफलतापूर्वक किए करेंगे। इसमें सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी अपने प्रखंड के जनप्रतिनिधि यथा मुखिया, वार्ड काउंसिलियर, पंचायत सचिव, जीविका के प्रखंड स्तर के प्रबंधक, सामुदायिक स्तर के समावेश सेविकाएं, आशा कार्यकर्ता आदि के साथ समावेश स्थापित कर दिव्यांगजनों को अधिक से अधिक सिविल आयोजन करने की तिथि को सिविल स्तर तक पहुंचाने में मदद करेंगे। यानी कि इसमें आपको सभी पदाधिकारी को लगा दिया गया वर्क में कि वह सभी विकलांग को सिविल में ले जाए और वहाँ पर उनका सर्टिफिकेट ऑनलाइन सत्यापन करवाएँ और UDID कार्ड उनका बनवाएँ, क्योंकि उनका सर्टिफिकेट वो यानी कि 1 अप्रैल के बाद वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि अवैध हो जाएगा, ठीक है। तो आप डिजिटल सर्टिफिकेट बनाकर आप उसको अपने सर्टिफिकेट को, तो आप समझ गए हैं कि फ्री में दिव्यांगजनों को प्रमाण पत्र ऑनलाइन बनेगा और UDID कार्ड भी बनेगा, इसके लिए सिविल आयोजित किया जाएगा हर ब्लॉक में और हर PSC हॉस्पिटल में, ठीक है। तो ये तो आप समझ गए विस्तार से कब तक, यानी कि 28 जनवरी से 28 फरवरी तक होगा और ये 1 अप्रैल 2021 के बाद पुराना जो ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ उसकी मान्यता रद्द हो जाएगी, यानी कि वो मान नहीं रहेगा, अमान हो जाएगा। तो चलिए आप जानते हैं कि इसकी जानकारी कैसे ले पाएंगे कि आपके प्रखंड यानी कि आपके PSC में कब ये सिविल लगने वाला है, उसके लिए आपको अपने CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट करना होगा। CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, उसके लिए मैंने आपकी इस वेबसाइट का लिंक दिया हूँ। इस वेबसाइट के लिंक पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर स्टेट पर क्लिक करेंगे, स्टेट बिहार सेलेक्ट करेंगे, उसका जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर सर्च करेंगे तो यहाँ पर नेम आ जाएगा और वो क्या है, उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। तो जैसा कि देख सकते हैं ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मयंक मोहन झा जो है ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं CSC के और उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। इसी तरह आप अपने जिला का जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मैनेजर होगा CSC का उनका कॉन्टैक्ट डिटेल निकाल कर उनसे आप संपर्क कर सकते हैं, वो आपको बता देंगे आपकी PSC में कब ये सिविल लगने वाला है। तो इसी तरह आप अपना जिला का डिस्ट्रिक्ट मैनेजर CSC का उसका कॉन्टैक्ट नंबर निकाल सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट करके अपने PSC के सिविल का डेट जान सकते हैं। उम्मीद करेंगे ये वीडियो और ये नोटिफिकेशन आपको कैसा लगा। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे।